डॉक्टर भास्कर भारद्वाज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो नाउ आई एम लाइव, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मेल पे पड़े हुए, वो क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे मेल पे, इनका जो रैंक है वो है 632। क्या चांसेस हैं कि मुझे ओरल सर्जरी मिल जाए गवर्नमेंट और मेरा EWS लगता है? देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका 600 रैंक है, 630, तो चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज EWS में मिल जाए। या तो ऑल इंडिया में चांसेस बन जाएंगे या तो स्टेट में बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओरल सर्जरी मिल जाएगा। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर ओरल सर्जरी में सीट आनी चाहिए EWS कोटा में, ठीक है, तभी चांसेस बन सकते हैं ना। ऐसे तो पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको ओरल सर्जरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इट्स रियली गुड एंड फाइन, मतलब आराम से मिलेगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह इट्स रियली गुड, मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तब मैं 11-12 में था। नाउ मैंने UG दिया है, नीट UG, और मुझे मेरी जो रैंक है उसमें मुझे BDS ही मिलेगा। सो टेल मी वन थिंग कि मैं मौलाना आज़ाद लूँ, BHU लूँ, जामिया लूँ, AMU लूँ। जामिया मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आप उसमें थे। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है UG लेवल पे, तो मैं कहूँगा गो फॉर मौलाना आज़ाद अगर मिल रहा हो तो, या तो BHU ले लो या तो AMU ले लो। इन तीनों में मैं इसलिए कह रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ब्रांचेस में PG हैं और इन सब में इंटरनल कोटा है फॉर देयर ओन स्टूडेंट। तो जब इंटरनल कोटा होता है उसका बहुत फ़ायदा मिलता है जब आप MDS का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। सो मैं कहूँगा कि गो फॉर इट, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना, गो फॉर मौलाना आज़ाद और BHU, आपको आसानी से मिलेगा MDS में। आपका रैंक 1000 भी होगा ना, ऑल इंडियन 1000, तब भी BHU जैसा कॉलेज मौलाना आज़ाद आपको मिल जाएगा वापस से करने के लिए MDS। सो गो टू दैट कॉलेज, ओके, अगर मिल रहा हो तो। लाइव के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर माय रैंक इज 8K, ठीक है, एंड आई वांट ऑर्थो। सर ऑर्थो के लिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस रैंक पर? डिपेंड अपॉन कि आप ऑल इंडिया में जाना चाहते हैं या फिर स्टेट में जाना चाहते हैं। अगर आप ऑल इंडिया में जाना चाहते हैं तो आपका बजट 45 लाख के आसपास होगा, कॉलेज तो मिल जाएगा, मीनाक्षी अम्मा मिल जाएगा आपको, अमृता मिल जाएगा, ठीक है, ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, आपको संतोष मिल जाएगा। और अगर स्टेट में जाना चाहते हैं देन डिपेंड अपॉन इन विच स्टेट यू आर थिंकिंग फॉर। सर आई एम अबाउट टू स्टार्ट BDS, एनी एडवाइस? देखो, अगर BDS में जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है, ये फर्स्ट एडवाइस है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में ही जा रहे हो, ठीक है, तो अच्छे कॉलेज में जाना। और थर्ड, बिल्कुल थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना अपनी MDS की प्रिपरेशन और कोशिश करना कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले MDS में। ऑल द बेस्ट। सर व्हेन विल ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट, एनी आइडिया? अब तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इस महीने में स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 1 or 2 weeks। कैन आई गेट गुड कॉलेज फॉर PDO एट 7-0 रैंक? आराम से मिलेगा PDO 7-0 रैंक पर, तो ईजिली मिलेगा आपको, ठीक है, ले सकते हो। जयपुर डेंटल कॉलेज फॉर ओरल सर्जरी इज इट गुड, एवरेज? गुड इवनिंग सर, प्राइवेट कॉलेज में SC स्टूडेंट के लिए फी नहीं लगता है ना? ये किसने कह दिया आपसे क्यों नहीं लगता है? ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसके लिए कोई ST, SC, OBC, जनरल ऐसा कुछ नहीं होता, उनके लिए सारे सीट्स जनरल होते हैं। और अगर आपने एक प्राइवेट कॉलेज ओपन किया है तो आप क्या सोच के ST, ST को फ्री कर दोगे भैया, जिसमें फीस नहीं लगेगी? ये किसने बताया आपको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। गवर्नमेंट कॉलेज में आप बोलोगे तो वहाँ भी फीस देनी पड़ती है ST, ST को, वहाँ कौन सा फीस नहीं देना पड़ता है? हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाती, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो आप कह रहे हो ना कि प्राइवेट कॉलेज में SC स्टूडेंट के लिए फीस नहीं लगता है ना, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसा एक कॉलेज नहीं है पूरे भारत में प्राइवेट कॉलेज जो SC स्टूडेंट का 1 रुपया छोड़ दे। फीस तो बहुत दूर की बात कर रहे हो कि हाँ फीस छोड़ देगा, मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। 10 लाख फीस है SC वाले से, वो 9,99,000 ले लें, वो भी नहीं होता उनसे।
पॉसिबल ही नहीं है, एक रुपए भी नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे वो? सर व्हाट इज द स्टाइपेंड ऑफ पीजीआई रोहतक? इट्स 84,000 इनकम टैक्स कटने के बाद, लेकिन अब तो इनकम टैक्स है नहीं, तो आई थिंक 97 के आसपास, 1 लाख। 1615 रैंक है, ठीक है। अच्छा, अगर सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिलता है तो रिफंड होगा? हाँ, देन वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिलता तो आपको तो ऐसे भी जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के तो आप ऐसे भी एलिजिबल नहीं है। रैंक इज 1356, कैन आई गेट प्रोस्थो इन महाराष्ट्र? स्टेट कोटा, स्टेट कोटा से प्रोस्थो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा लोगे अपने यहाँ तो ईजिली मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। शारदा डेंटल कॉलेज फॉर BDS, ठीक है, ज्वाइन कर लो। ग्रेटर नोएडा वाला बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक सो। इज देयर अ बॉन्ड सबमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो? इफ येस देन ऑल गवर्नमेंट कॉलेज और जस्ट सम स्टेट? इट्स डिपेंड, सारे कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन लगभग अब सारे कॉलेज में बॉन्ड हो गया है, ठीक है। सर ऑर्थो के लिए दिल्ली NCR में कौन सा कॉलेज बेस्ट है? ऑर्थो के लिए जाना चाहते हो तो दिल्ली NCR में सुधा रस्तोगी चले जाओ, उसका ऑर्थो अच्छा है। अदर देन दैट शारदा का ऑर्थो अच्छा है, ITS गाजियाबाद का अच्छा है, नॉट नोएडा, गाजियाबाद वाला। सर ST कैटेगरी रैंक 92, कैन आई गेट नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट इन ऑल इंडिया कोटा? सॉरी, बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा मिल पाना। सर हाउ इज PGI रोहतक फॉर प्रोस्थो? इट्स रियली गुड। सर आई एम फ्रॉम MP, डू यू सजेस्ट टेकिंग कॉलेज इन MP और एनी अदर स्टेट? रैंक इज 8713। देखो 8713 है तो आप ऑल इंडिया में भी ले सकते हो, MP में भी ले सकते हो, UP में भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि अगर आप स्टेट में ले रहे हो तो अप टू 25-30 लाख आपकी फ़ी होगी, जैसे आप ऑल इंडिया में शिफ्ट करोगे आपकी फ़ीस 40 लाख पर चली जाएगी। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस में लेना है। अगर आपका बजट है 40 लाख तक, देन गो फॉर ऑल इंडिया, नहीं तो फिर आप स्टेट के लिए चाहिए। 3500 OBC रैंक, कैन आई गेट OS ब्रांच एंड विच कॉलेज? अगर 3500 आपका OBC रैंक है तो जनरल कैटेगरी में लगभग 5-6 हज़ार रैंक होगी आपकी, तो 6000 रैंक पर ऑल इंडिया में मिल जाएगा आपको ओरल सर्जरी। अगर आपका बजट 45 लाख के आसपास है तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सर रैंक इज 170, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। इज PGI प्रोस्थो पॉसिबल हरियाणा डोमिसाइल? हाँ, स्टेट कोटा से तो पॉसिबल है, ठीक है, स्टेट कोटा से जाओगे तो पॉसिबिलिटी है। ST कैटेगरी रैंक 19, कैन आई गेट ओरल सर्जरी इन ऑल इंडिया? देखो ST कैटेगरी में 19 रैंक है तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, इस बात की गारंटी मेरी है, गवर्नमेंट कॉलेज। बट आपने लिखा है ओरल सर्जरी चाहिए, तो ओरल सर्जरी में सीट भी तो आनी चाहिए ST की, तभी तो मिलेगी ST की। सर शुड आई चूज PGI रोहतक ओवर GDC बॉम्बे फॉर प्रोस्थो? ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेज में। गुड प्राइवेट कॉलेज इन MP फॉर प्रोस्थो? ऋषिराज ले लो, अच्छा कॉलेज है। हेलो सर, विच इज द बेस्ट कॉलेज इन UP फॉर ओरल सर्जरी? सुभारती, सुभारती से बेटर दूसरा कोई कॉलेज नहीं है UP में तो। लाइव में कोई क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेते हैं क्वेश्चन फटाफट मेल से, ईमेल आईडी से। क्वेश्चन है मैंने MDS कर रखा है, ओके मैम, और हमेशा डीमोटिवेटेड रहती थी, बट मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपका वीडियो मिल गया एंड इट्स रियली वेरी पॉजिटिव, और उस दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ आपको, और इट्स रियली गुड टू सी यू ऑन YouTube। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अच्छा लगता है कभी ऐसा कोई मेल या फिर मैसेज आता है तो। ऑनलाइन में कोई है क्या क्वेश्चन? विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर OS इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में अगर जाना है तो फिर आर अहमद में चले जाओ, आर अहमद एक वही कॉलेज है ढंग का। सर कैन यू सजेस्ट सम गुड डिम यूनिवर्सिटी फॉर PDO?
मणिपाल, डीवाई पाटिल पुणे वाला, ठीक है, देन अमृता कोची वाला, रामचंद्र चेन्नई। ये आप क्या लिखना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ट्राई टॉकिंग कंटिन्यू व्हाट, माय रैंक इज 7000, कैन आई गेट ओरल सर्जरी इन राजस्थान स्टेट विच कॉलेज। 7000 रैंक है आपको, मिल जाएगा पैसिफिक, मिल जाएगा आपको गीतांजलि, मिल जाएगा निम्स, मिल जाएगा ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे। सर राउंड वन के बाद सीट होल्ड करके अपग्रेड का क्या प्रोसेस होता है? उसमें आपको कॉलेज विजिट करना होता है जो आपको अलॉट हुआ है, वहाँ जाके आपको बोलना होता है कि सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, वो डाल देते हैं अपग्रेडेशन के लिए। विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर ओएस इन महाराष्ट्र? जीडीसी बॉम्बे। सर हाउ इज मिट्स दिल्ली फॉर कौन से? इट्स रियली गुड, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन। मेरे सीनियर का रैंक 2000, इंडिया रैंक 2, तो उनको मिला था। सर इफ आई गेट एन एवरेज कॉलेज इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड देन आई गेट अ गुड कॉलेज इन स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, कैन आई लीव द ऑल इंडिया एंड शिफ्ट टू द स्टेट? हाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट जो आपका पैसा आपने दिया है वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो वापस नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि उसमें एक रूल है कि आप किसी भी कंडीशन में वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो आप सीट अगर छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो पैसे वापस नहीं करेंगे। आई थिंक 25,000 रुपीज चार्ज है, वो वापस नहीं करेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेरे पूरे स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके हाँ आ गया क्वेश्चन, ये क्या है इनका? हितकर्णी फॉर ओएस एवरेज है। सर हरियाणा काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता। सर यूपी कॉलेज सजेस्ट फॉर इंडो इन यूपी, यूपी में लेना है इंडो, बाबू बनारसी दास ले लो, वो भी अच्छा है। केरियर ले लो, वो अच्छा है, लखनऊ का सरदार पटेल रियली गुड। देर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ओके नो, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं। बेस्ट कॉलेज फॉर इंडो इन कर्नाटका? जीडीसी बेंगलोर, रमैया, एबीसीटी। एम आई ऑडिबल टू यू, मतलब मेरी आवाज आ रही है आप तक या फिर कुछ इशू हुई है? तो प्लीज इन्फॉर्म मी येस और नो, प्लीज प्लीज प्लीज। आई थिंक 50 लोग मुझे, 50 टू 60 लोग मेरे साथ लाइव हैं अभी, तो प्लीज़ मुझे बताइए, आप में से कोई भी एक मैसेज कर दो कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। सर कैन आई गेट इनटू सर शरद पवार, ठीक है, एमडीएस इंडो, ठीक है, रैंक इज 12K। हाँ मिल सकता, 12K है तो नहीं मिलेगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल। यस सर आ रही है, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। एक और ले लेते हैं मैसेज। रैंक इज 12,600, कोई चांस है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? आई एम रियली सॉरी, अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आप समझिए इस चीज़ को, इट्स नॉट पॉसिबल एट 12K रैंक, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल सकते, तो सॉरी। बेस्ट कॉलेज फॉर ऑर्थो इन कर्नाटका, ऑर्थो के लेना चाहते हो देन गो फॉर एबीसीटी, एसडीएम धारवाड़, कोर्ट्स और बेंगलोर डेंटल कॉलेज जो बेंगलोर में है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन एमपी फॉर ऑर्थो पीपल्स। ऑनलाइन एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर यूपीपीएससी का फॉर्म तो फिलअप कर दिया बट समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ। देखो यूपीपीएससी में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो स्टार्ट विद डेंटल पर्ल्स, ठीक है। सर इज देर एनी बॉन्ड इन मिट्स दिल्ली? हाँ बॉन्ड है वहाँ पे, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो उसका बॉन्ड है 10 लाख और
5 लाख, आई एम नॉट श्योर अबाउट द बॉन्ड अमाउंट कि कितना है। हॉइस सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ फॉर प्रोस्थो एआई रैंक 1200 ले लो, अच्छा है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेंटल साइंस ओके, और ITS भुवनेश्वर फॉर प्रोस्थो एट 3000 रैंक। IDS मिल जाएगा भुवनेश्वर आपको। सर मणिपाल का फी स्ट्रक्चर क्या है पीडो का? इट्स 17.5 लाख पर ईयर। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर ऑर्थो इन पंजाब? पंजाब में यार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम ऑल कॉलेज आर एवरेज ओनली। मेरा कभी भी वहाँ से कोई फीडबैक अच्छा नहीं आया आज तक, मतलब CMC को छोड़ दो, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दो। तो सर प्रोस्थो वर्थ टेकिंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल कोटा और गो टू अदर ब्रांच? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, कि आगे आपने क्या सोचा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है इट्स वर्थ इट और नॉट। सर 15K रैंक है, कैटेगरी OBC है, ठीक है, महाराष्ट्र काउंसलिंग से के राउंड के थ्रू कॉलेज मिल सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। GDC में बॉन्ड सर्विस पेड होता है? हाँ हाँ वो सर्विस पेड होता है, डोंट वरी। सर 10K रैंक में कैन आई गेट ऑर्थो इन SDM? नो चांस। मैनेजमेंट कोटा में, हाँ मैनेजमेंट कोटा में जाओगे तो मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर ऑफ सुभारती फॉर OMR? OMR का फी स्ट्रक्चर आई थिंक 2.5 लाख। सर इज देर एनी बॉन्ड साइन टू बी सर्व इन द गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर MDS? डिपेंड करता है किस कॉलेज में हो आप, बहुत जगह पे होता है बहुत जगह नहीं होता है। और अगर सर्व के लिए है भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, पैसे तो दे रहे हैं अच्छे खासे, 3 साल तक स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, फिर ज्वाइन करोगे वहाँ भी पैसे मिल रहे हैं, 1 लाख रुपये से ज़्यादा ही दे रहे हैं पर मंथ, और क्या चाहिए। इज MP ओपन स्टेट? यहाँ ओपन स्टेट है बट फ्रॉम सेकेंड राउंड, नॉट फ्रॉम फर्स्ट राउंड। भारतीय विद्यापीठ का पीडीओ का फी स्ट्रक्चर क्या है? 14.5 लाख पर ईयर। मोस्ट प्रोबेबली कब स्टार्ट होगी? इस महीने में स्टार्ट हो जाएगी। जयपुर डेंटल कॉलेज इज गुड फॉर OS और संतोष? संतोष अगर कंपेरिजन कर रहे हो तो। SDM धारवार की, वही ना, SDM धारवार के मैनेजमेंट कोटा की फीस 54 लाख होगी टोटल कंप्लीट इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फॉर 3 ईयर्स। सर आफ्टर रिवाइज कटअप 14,800 रैंक में ऑर्थो मिल सकता है क्या कर्नाटका में? कर्नाटका इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट और तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑल इंडिया से, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा विदाउट एनी इश्यू। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक लाइव में नहीं है क्वेश्चन अभी, तो मेल से ले लेते हैं। रैंक इज 4687 ओके, एंड आई वॉन्ट ओरल सर्जरी इन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, वॉट आर द चांसेस? 100% मिल जाएगा, चांसेस के 100%, देर इज नो इश्यू इन दैट। आपकी बजट बस 40 लाख तक रखिएगा, आराम से मिल जाएगा। सर इस साल MDS में, सर इस साल MDS की ज्वाइनिंग कब तक कॉलेज में होगी? मोस्टली लोगों को सेप्टेम्बर, अगस्त सेप्टेम्बर से क्लासेस स्टार्ट होगा, उससे पहले तो नहीं होना चाहिए। सर डू यू सजेस्ट टेकिंग एजुकेशन लोन फॉर द क्लिनिकल ब्रांच फॉर MP? नो, देखो लोन का एक अलग ही एजुकेशन लोन का सिस्टम है। सपोज करो आपने एजुकेशन लोन ले लिया एंड यू आर टेकिंग 20 लाख रुपीज, तो 12.5% एजुकेशन लोन, तो जब 20 लाख का आपको कितना चुकाना होगा? लगभग 30-35 लाख रुपीज चुकाना होगा। 30 लाख तो चलो लेके चलते हैं, 20 लाख आपने लिया है लोन तो 30 लाख, तो 30 लाख अगर आपका 50,000 का भी होता है EMI पर मंथ, तो 60 मंथ लगेंगे आपको चुकाने में। 12 × 5 मतलब अगले 5 साल तक आप EMI दोगे हर महीने का 50,000 रुपये, ठीक है। यकीन मानिए जब आप निकलोगे कॉलेज से पढ़ के, प्राइवेट कॉलेज से, तो SR में तो फटाफट होना नहीं है, दैट यू नो वेल। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, होना नहीं है। बाहर आओगे तो आपको अपनी क्लिनिक ओपन करनी होगी, क्लिनिक के लिए फिर से आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज़ खर्च करना होगा, 5 to 10 लाख रुपीज़। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इनकम फर्स्ट मंथ से 1 लाख रुपीज़ हो, तभी तो आप 50,000 रुपये दे पाएंगे ना EMI, तो फिर बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। क्लिनिक चलाना, EMI देना, क्लिनिक भी नहीं चल रहा होगा स्टार्टिंग में, इट टेक्स टाइम, तो मैं सजेस्ट नहीं करता एजुकेशन। सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ, इंडो मिलेगा क्या? आराम से मिल जाएगा, 4000 रैंक तक तो आराम से। GDC नागपुर कैसा है प्रोस्थो के लिए? ठीक है, ले सकते हो। नीट MDS का एग्जाम कब होगा इस ईयर? दिसंबर जनवरी मार्च, 99 नहीं 100% जनवरी में हो जाएगा, डोंट वरी।
सर जनरल कैटेगरी रैंक 4778, विच ब्रांच? भारतीय विद्यापीठ पुणे। भारतीय विद्यापीठ पुणे में जा रहे हो, देखो ऑर्थो तो थोड़ा मुश्किल है मिल पाना, ठीक है, बट मिल जाएगा कॉलेज। हिमाचल के डेंटल कॉलेज कैसे हैं? एवरेज कॉलेज है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। संतोष या एमएम? गो फॉर एमएम, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है फिर संतोष से। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है अब आपका। देखो होता क्या ना, जब आप मुझसे लाइव में बात कर रहे होते हैं ना, तो एक लेवल तक ही बात हो पाती है चीज़ों को लेकर के। सो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है, तो गलतियाँ मत करना, जस्ट बुक माई अपॉइंटमेंट, टॉक टू मी वंस, फिर आपको समझ में आएगा बात करके कि लाइव में और जब एक वन टू वन बात हो रही है तो उसमें कितनी डिफरेंस होती है। सर विच ऑल ब्रांच में गिव एजुकेशन लोन? दे गिव फॉर प्राइवेट कॉलेज टू, सारी ब्रांच देते हैं, ऐसा कोई बैंक है ही नहीं जो एजुकेशन लोन नहीं देता है, इच एंड एवरी। बट ये सोचो चुकाओगे कैसे, ले तो लोगे उसको तुम। SRM की फीस है 14 लाख। सर OS फ्रॉम IDS बरेली और इंडो और पीडो गुरु नानक, विच इज बेटर? IDS ले लो, ओरल सर्जरी। सजेस्ट सम गुड कॉलेज इन छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर इंडो, कोई भी कॉलेज ले लो, ऑल आर सेम फॉर इंडो। सर डीम्ड कॉलेज की फीस के अलावा भी कितना अमाउंट लगता है OS में? देखो कहीं से भी तुम करोगे ना MDS, 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लेके चलो, हॉस्टल फी, कॉन्फ्रेंस एंड ऑल। विच इज़ बेटर फॉर OS, SRM और मीनाक्षी अम्मा? मीनाक्षी अम्मा, गो फॉर मीनाक्षी अम्मा, इट्स रियली गुड, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क प्लीज? बस मैं 4 to 5 मिनट्स और लाइव हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इफ यू डायरेक्टली वॉन्ट टू टॉक टू मी देन बुक माई अपॉइंटमेंट एंड वी कैन टॉक। AMC 5000 रैंक मुश्किल है। एनी मोर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क? GDC शिमला कैसा है प्रोस्थो के लिए, ऑर्थो के लिए? प्रोस्थो इज गुड, यू कैन गो फॉर प्रोस्थो, इट्स रियली गुड। हेलो प्रियंका जी, ऐसे तो मत बनाइए प्लीज़, अच्छा नहीं लगता ना, बस लाइव के बाद आप ही को कॉल कर रहे हैं। ADC 3000, 3000 में पॉसिबल है, बट 5000 इज नॉट पॉसिबल। इस पेडियो ब्रांच गुड? ठीक ठाक ब्रांच है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड, डिपेंड अपॉन यू कि आप कहाँ ओपन कर रहे हैं क्लिनिक, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग है, उस पर डिपेंड कर। सिकंदराबाद, देखो यार आर्मी वाले में थोड़ा सा ना डाउट होता है मुझे, कभी किसी रैंक पे मिल जाता है, कभी किसी रैंक पे मिल जाता है, वहाँ पे आर्मी वालों का रिजर्वेशन भी चल रहा होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है बता पाना। इंडेक्स कॉलेज लेना वर्थ रहेगा प्रोस्थो के लिए, और शुड आई गो फॉर ड्रॉप? इंडेक्स है तो गो फॉर ड्रॉप। सरदार पटेल, आई थिंक इस साल से उसकी फीस हो गई है 10 लाख। एट के रैंक पर OS मिलेगा क्या? हाँ मिल जाना चाहिए। ये पंजाब में है ना तुम्हारा वो जीनियस कॉलेज जो भी है, नॉट सो गुड, उसका रिव्यू कभी अच्छा नहीं आता है। DY पाटिल का फी क्या होगा सर पर ईयर पेडियो ब्रांच में? आई थिंक 16 लाख रुपीज़ है, 15 to 16 लाख। हेलो डॉक्टर, आई वॉज योर फॉलोअर अ ईयर एगो, ठीक है, वाइल माई नीट UG स्ट्रगल डे, गॉट MBBS नाउ, वेरी हैप्पी दैट यू आर स्टिल इंस्पायरिंग द पीपल टू गो फॉर डेंटल, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। देखो MBBS BDS ठीक है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है करना,
ऐसा नहीं है कि अगर आपने MBBS कर लिया तो सब कुछ है, या किसी ने BDS कर लिया तो सब कुछ है. किसी को MBBS BDS कुछ नहीं मिला इन दोनों में से, तो उनके लिए कुछ और है. ठीक है, डोंट थिंक लाइक दैट. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. इट्स जस्ट लाइक कि जब UPSC का एग्जाम देते हैं तो जिसको IAS अलॉट होता है, IAS, वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके घूम रहा होता है. सेकेंड पोजिशन पर कोई IPS होते हैं, थर्ड पे या फिर फर्स्ट पे बहुत लोग IFS को रखते हैं. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू. सबकी ज़रूरत है सोसाइटी को. तो मैटर ये करता है कि आप MBBS करो, BDS करो, BAMS करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी कर रहे हो ना, इतने अच्छे से करो कि आपके फील्ड में आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए. बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है लाइफ में. आपको यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब चलाओ, उसमें आप बेस्ट करो ना यार. आप कुछ भी करो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. मैं देखता हूँ वो MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ठीक है, अब वो सब मेरे कॉन्टैक्ट में है ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि मेरे कुछ स्टार्टअप्स हैं, तो मेरे स्टार्टअप की वजह से हैं कॉन्टैक्ट में लोग. तो मैं देखता हूँ उन लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल है, ये इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. आप MBBS अगर आपको मिल रहा है, इट्स रियली गुड. बिल्कुल अच्छे से करना और बेस्ट करना उसमें, कि आपसे बेटर कोई और ना हो. ठीक है सर, आर्मी डेंटल कॉलेज सिकंदराबाद में स्टाइपेंड मिलता है? हाँ मिलता है. कॉलेज फॉर प्रोस्तो इन महाराष्ट्र, 7K रैंक. ओह इंडो, बहुत मुश्किल है, इंस्टीट्यूशनल कोटा ही लगाना पड़ेगा, नॉर्मली तो नहीं पॉसिबल है. ऑल इंडिया रैंक है 14,800 आफ्टर रिवाइज कट ऑफ. अप्रॉक्स व्हाट विल बी द कैटेगरी रैंक फॉर OP? तो OBC कैटेगरी रैंक लेके क्या करोगे आप? आपका 14,000 रैंक है, OBC का कैटेगरी रैंक मिल भी गया तो उसके फायदे क्या है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई कैटेगरी होता ही नहीं है, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा. स्कोप ऑफ पीडो, अच्छा PDO इन स्मॉल टाउन, अगर इम्प्लांट कर रखे हो तो है स्कोप, नहीं तो फिर नहीं है. इन UG नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, डोमिसाइल फ्रॉम महाराष्ट्र, हाउ टू अप्लाई, वो आपको देखना पड़ेगा उनका क्या रूल है इस बार का. दर्शन डेंटल कॉलेज ओरल सर्जरी, नॉट गुड, मत लेना. सो आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस हो गए. हाउ इज सुभारती डेंटल कॉलेज फॉर प्रोस्टो? इट्स गुड, यू कैन गो फॉर इट. और कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए. आई थिंक और कोई भी क्वेश्चन नहीं है. सो स्कोप अवर पीडो पेडियो, देखो यार, पीडो का स्कोप सिर्फ और सिर्फ है जब आप Tier 1 city में हो. अगर आप थोड़े Tier 2, Tier 3 की तरफ शिफ्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होगा. ठीक है, काउंसलिंग का तो पता नहीं मुझे अभी, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया रिलेटेड टू काउंसलिंग. ठीक है, तो डोंट नो अबाउट दिस. क्या है, IRTG करके कोई है अकाउंट, ब्लॉक कर दो उसको. विच क्लिनिकल डिपार्टमेंट विल बी गुड इन 500 रैंक? इट्स डिपेंड अपॉन यू. 500 रैंक है आपका तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा. ठीक है, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि ये करना है तो मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. विच क्लिनिकल डिपार्टमेंट विल बी गुड फॉर? हाँ मैंने कहा ना, आपको जो भी आप लेना चाहो, आप पे डिपेंड करता है. सर इंडो कॉलेज बता दीजिए प्लीज़, UP में. इंडो के लिए जाना चाहते हो, 6.5 रैंक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज मिलेगा. सरदार पटेल मिल जाएगा, बाबू बनारसी दास मिल जाएगा, सरस्वती मिल जाएगा, आपको सुभारती भी मिल जाएगा, यू कैन टेक. JSS मैसूर सही कॉलेज है, कट ऑफ उसका फ्लक्चुएट करता है एवरी ईयर. UP में कौन से प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है? किसी में नहीं मिलता है. 1,000-2,000 स्टाइपेंड को मैं स्टाइपेंड नहीं मानता हूँ, तो नहीं मिलता है. ठीक है सर, माय रैंक इज 2315 जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट सर्जरी इन कर्नाटका? मिल जाएगा कर्नाटका में आपको सर्जरी. ठीक है, चलो फिर
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, डाउट हो आपको, तो डोंट, आप अपने पैसे को बचाइए, वेस्ट मत कीजिए पैसे को. मतलब कहाँ पे आपकी दिक्कत होगी पैसों का, डिफरेंट डिफरेंट जगह जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो हर जगह आपको पैसे देने होते हैं, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो वो मत दीजिए, क्योंकि वो आपका पैसा वेस्टेज हो रहा है. इट्स मच बेटर टू कॉन्टैक्ट मी, और हम लोग फिर बात कर लेंगे बैठ के कि कौन सा आपके रैंक पर, कौन सा कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड ऑल आपको जाना चाहिए और आपको मिल जाएगा. जस्ट गो फॉर दैट कॉलेज ओनली, दैट स्टेट काउंसलिंग ओनली, और ऑल इंडिया काउंसलिंग ओनली. ऐसा मत करो कि सारे स्टेट में, सारे ऑल इंडिया में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2-3 और स्टेट में पार्टिसिपेट कर लिए. डोंट डू दैट, उसमें सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होता है. लास्ट टाइम लगभग 7 करोड़ रुपए ऐसे ही निकल गए लोगों के, 7 करोड़, क्योंकि एक भी सीट अगर इस टाइप से लोगों से गलती हुई है फिलिंग में, तो 1 लाख रुपीज चला जाता है, ठीक है. और लास्ट ईयर 700 लोगों से प्री मिस्टेक हुई थी. सो डोंट डू दैट. ओके, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट.